क्या कभी आपने सोचा है कि फिरोज गांधी के पूरे खानदान में किसी का सरनेम गांधी नहीं था, फिर उनका नाम अचानक फिरोज खान से फिरोज गांधी कैसे हो गया? नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी फॉर इनोवेटिव। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फिरोज खान एक खान से गांधी बन गए। फिरोज खान का जन्म 12 सितंबर 1912 में हुआ था। वह एक फ्रीडम फाइटर और लोकसभा के एक इम्पोर्टेंट सदस्य थे। वे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति थे। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज गांधी कुछ समय तक अंडरग्राउंड रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे। रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के एक न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला। इंदिरा गांधी का सरनेम गांधी उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। उनकी शादी फिरोज खान से हुई थी, तो उनके वंश में सभी का सरनेम खान होना चाहिए, जैसे राजीव रतन खान, संजय खान, प्रियंका खान, मेनका खान, सोनिया खान, राहुल खान, फिरोज, वरुण खान। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इंदिरा गांधी फिरोज से जब पहली बार मिली तब वह 13-14 साल की थी। उस वक्त फिरोज की उम्र 16 साल थी। फिरोज ने उस वक्त कई बार इंदिरा को प्रपोज किया, लेकिन तब छोटी उम्र होने के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। जब दोनों की मुलाकात पेरिस में हुई तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने लंदन में एक ही कॉलेज से पढ़ाई भी की, लेकिन दोनों के रिश्ते से इंदिरा के पिता यानी कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत एतराज था। दरअसल फिरोज गांधी के पिता जहांगीर खान भरूच में रहने वाले सुन्नी मुसलमान थे और उन्होंने एक पारसी महिला रतीबाई से निकाह किया। रतीबाई ने भरूच के मस्जिद में बकायदा इस्लाम कबूल करके जहांगीर खान से निकाह किया। उन दोनों का बेटा हुआ फिरोज खान, जो बचपन से ही थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था। वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, आजादी की लड़ाई में भी रहा, पत्रकार बना, फिर घूमते घूमते उत्तर भारत में जा बसा। जब वह लंदन में था तभी उसकी मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई और दोनों ने एक मस्जिद में निकाह किया। और निकाह के पहले इंदिरा गांधी को बकायदा मुस्लिम बनाया गया और उनका मुस्लिम नाम मेमुना बेगम रखा गया। फिरोज गांधी के ससुर जवाहरलाल नेहरू उन्हें सख्त नापसंद करते थे। मुंद्रा कांड, जीप घोटाले में नेहरू सरकार के भ्रष्टाचार के मामले उठाने के कारण जवाहरलाल नेहरू उनसे काफी नाराज थे। फिरोज गांधी को भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। गांधी जी यही मानते थे कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है, और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि गांधी नाम की विरासत उनके साथ ही खत्म हो जाए। वो चाहते थे कि उनका नाम सियासी गलियारों में हमेशा गूंजता रहे, लेकिन खुद को किसी पद से जोड़ के महानता का चोगा त्यागे बिना। उन्हें यह मौका इंदिरा की शादी से मिला। गांधी जी का एक और गुण भी था, उनकी दूरदर्शिता। इंदिरा में लीडरशिप के गुण वो पहले ही देख चुके थे। वो जानते थे कि इंदिरा से परंपरागत राजनीति की शुरुआत होगी, और इसलिए उन्होंने फिरोज को गोद लिया और उसे अपना नाम दे दिया। लोगों का मानना है कि सिर्फ हिंदू कट्टरपंथी ही नहीं, नेहरू जी भी शादी के खिलाफ थे। पर नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखा है कि फिरोज को वो बेहद पसंद करते थे और उन्हें इस शादी से नहीं बल्कि लोगों के गुस्से से परेशानी थी, जिसका अंदाजा उन्हें और गांधी जी को पहले से ही था। देश आजादी की कगार पे था और गांधी जी का प्रभाव अपने चरम पे। उन्होंने इंदिरा और फिरोज के पक्ष में एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसे पढ़ के और सुन के सभी शांत हो गए और उन्होंने फिरोज को अपना नाम दे दिया। तो इस तरह फिरोज खान को फिरोज गांधी बनाया गया। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इस अनोखी जानकारी के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक्स करना ना भूलें। दोबारा मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।